locked up. I got hoy. Got. आजी मैं कल को जा रहा हूँ, कैसा लग रहा है आपका दिल? फूल बगान को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आज मैं सामान पैक करूंगा, उसके बाद चले जाऊंगा यहाँ से, बाय बाय फूलों की डानी के लिए। बहुत ही ज्यादा दिल है लेकिन मैं ले जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि बस्ती का लोग, सभी लोग पूरा मेरा वीडियो बस्ती का लोग देख चुके हैं और सभी लोग मेरा मम्मी को प्रपोज कर रहा है, बोलता है मोनू जब आएगा फूल लेने के लिए, आने के लिए। बोलो भाई मुझे खबर नहीं लेके मैं कब आऊंगा कब जाऊंगा, मुझे खबर नहीं लेके तुम लोग फूलों को इतना प्यार करने के लिए लगे हो मेरे बस्ती के लोग है। तुम लोग मुझे पूछो कब आ रहा है मोनू, कब आएगा, कब हम लोगों के लिए खुशियां प्राप्ति करके लाएगा, तुम लोग ये बोलो। फूलों का पीछे मैं पड़े हुए हूँ, मैं फूल ले जाऊंगा ही नहीं। एक्चुअली ये बिजनेस है बुआ जी का, इसमें कोई फ्री नहीं मिलेगा। मेरे जितने भी बस्ती के लोग हैं ना, सभी लोग पैसा दो, उसका बात ही मैं फूल लेकर जाऊंगा, ठीक है? और मेन थिंग देखो, एक तो ले जाऊंगा, ले जाने के बाद इसको नहीं दिया उसको दिया है, उसको नहीं दिया है वो देगा, तुम लोग का जरा चुगलीबाजी लगेगा, इसलिए मैं लेके जाऊंगा ही नहीं। मैं सिर्फ आदमी अकेले जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मेरे सामान जाएंगे, है कि नहीं बुआ जी? हाँ बस, एंड लव यू टू वन एंड ऑल। लोखी आज मेरा लास्ट डे है, कैसा लग रहा है तुमको? है खुशी लग रहा है? क्यों? मेरा सामान पैक हो चुका है और मैं ईटानगर से निकल रहा हूँ, अभी डायरेक्ट नाहरलगुन जाऊंगा। मेरा प्लानिंग था कि मैं यहाँ पे जाइलो पे जाऊँ, लेकिन कुछ कारण से मतलब देरी हो गया, तो अभी मेरा भैया जो यानी कि मतलब यहाँ का काउंटर जो मुझे एक बस दिखा रहा है डायरेक्ट तेजू जाएगा, तेजू से मैं डायरेक्ट नाहरलगुन जाऊंगा। आप लोग देखते रहिए, बहुत धमाका होने वाला है। तो अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट यहाँ से, बाय बाय ईटानगर, बाय बाय नाहरलगुन। बहुत ही अच्छा लगा ईटानगर पे शूटिंग करके। बहुत दिनों के बाद घर जा रहा हूँ, यानी कि लगभग 2 महीना 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन नहीं 16 डेज हो चुके हैं। तो आप बहुत दिन हो गया है अभी घर जा रहा हूँ, और घर पे जाऊंगा, तबाही मचाऊंगा, पूरा वीडियोस वगैरह बनाऊंगा और सबको हंसाऊंगा, लड़की लड़का सभी को मेरे साथ फंसाऊंगा। और गाइस वीडियो देखते रहिएगा, मजा होने वाला है। जब डायरेक्ट आप लोगों को मिलते हैं नामसा, यानी कि मेरा घर। हम लोग का ड्राइवर भैया यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, और वो भी जगह देखो, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो है गाइस, खाना पीना खा लिया, अभी फाइनली अभी बैठते हैं, उसके बाद फिर से जाना है। सो ओके, बाप रे बाप क्या देख लिया। इसीलिए स्पीड नहीं चलाना चाहिए और ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। अच्छा क्यों हंसे? ये हंस रहे, देखो मैं वीडियो बनाने से हंसता है ना। इसलिए स्पीड नहीं चलाना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। जवान लड़का लोग भी बहुत, लड़के का जोश में बहुत ज्यादा गियर लगा के चलते हैं। तो गाइस जा तो रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा एंटरटेन करके जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो हम लोग का जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि पैसा लुटने वाला आदमी है, ये इतना लड़की लोगों के साथ मुझे बात करवा दिया वीडियो कॉलिंग कर करके। 5-6 लोगों ने तो नंबर भी मांग लिया, अभी भाई क्या करेंगे वो लोग, वही जाने। उसके बाद लड़की लोग चिपक चिपक के फोटो मारता, उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड लोग मेरे मुझे पीछा करते हैं, तूने मेरा गर्लफ्रेंड के साथ चिपक के फोटो मारा। मेरा ऐसा भी आया आता है कभी कभी। अच्छा है, और पीछे में पूरा पीछे में तो आदमी नहीं है, और हम बिंदास जा रहे हैं। आप लोग मत बोलिएगा कि बस में हल्ला करके जा रहे हैं, दूसरों को सर्टिफिकेट देने के लिए अपुन पैदा नहीं हुआ है। मनु बहुत बदमाश है, लेकिन कौन सा एंगल से मुझे बदमाश लग रहा है? सारा लड़की का लाइन मार रहा है, बहुत बदमाश है। और बहन आप ईटानगर से मुझे फॉलो करके आ रहे हो, आपने मेरे साथ बहुत सारा भीड़ भी बनाया, मुझे क्या बदमाश लग रहा है? थैंक यू बोल दिया, बहुत बदमाश है। मुझे क्या बदमाश लगता है? Oh my God. आज मन्नू को मिल के अच्छा लगा।
कितना अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा मनु को मिलकर, मेरा बास में सफर जाने का। अभी नेक्स्ट टाइम सब पैसा नहीं देंगे। और तुम लोग कंपनी को बोल रहे हो, तुम लोग कंपनी का मालिक को तुमने वीडियो लिया है ना? अरे है, बोलता नहीं देखा कितना चालाक है। कुंडन का दुकान का पास से एयरफोन लिया है, इतना गंदा सुनाई मिलता है, और 500 रुपए लिया है, एक रुपए भी कमा नहीं दिया। एमआरपी लिखा हुआ था 499 रुपीज, उसके बाद 500 लिया है, और इतना इससे अच्छा तो मेरा 300 के में जो मेरा मिकी भैया ने दिया था ना मुझे, वो वाला बहुत अच्छा था। मेरा मिकी भैया मुझे जाने से तो मुझे फ्री में दे देता है मेरा मिकी भैया, इतना गंदा सुनाई मिलता है। गाहोय आए, गाहोय गाहोय आए ना, हाय गाहोय गाहोय बनी, आए गाहोय बनी। तो गाइस मैं फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। आफ्टर 2 महीने के बाद मैं घर पहुंच गया हूं, और बहुत ही ज्यादा खुश हूं। क्या बोल बिना, और मेरे साथ जो मेरे दोस्त आए हुए हैं, अस्मिन हेलो, और मैं अंदर में दिखाता हूं। और यहां पे गाइस मम्मी, मदर इंडिया बहुत ही मोटे हो गए हैं पहले से, और यहाँ पे भाभी दीदी, यहाँ पे पिताश्री भैया और जीजा जी। हाय भूटांगी, अरे कैसा हाय गाहोय, तो मैं कहते हैं ठीक है, आई बोगनी आई आई एना, मेरा दीदी का बेटी है, मेरा आगे वाला दीदी का बेटी। ऐ ऐ गाइस, मैं जैसे ही आ गया, मैंने दोस्त को मैंने रिक्वेस्ट कर करके बुलाया कि चलो मेरा घर पे, तो ये आ गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। पिगी 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 आए पिगी, अल कैसोनी में रखा है। बहुत दिन हो गया है घर का पानी से नहीं नहाया हूँ, ईटानगर का मोटर का पानी से नहा 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 के काला हो गया। अभी अपना घर पे आ गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा सफेद हो जाऊंगा, और फिल्म सिल्म नहीं करेंगे, अभी सिर्फ वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद घर का पानी से नहाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी से, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पानी, गर्म दिन पूरा आ चुका है, बहुत जल्दी गर्म दिन आ चुका है, इस बार पानी नहीं निकलता। ठंडे ठंडे पानी, घर का पानी, घर का पानी। जो शांति लगा है दुनिया भर में नहीं मिला है। घर का पानी खा के बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और सॉरी पीके, पीके बोलता है ना। अपना घर का पानी से नहाया, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आज भी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। 2 महीने बाद मिला ना पानी ऐसा। 2 महीने 15 दिन के बाद अपना खुद घर का पानी से नहाया, तो आपकी तबियत खराब करना है? तबियत खराब तो नहीं होगा मेरा, क्योंकि यही मेरा जन्मभूमि है, यही मेरा कर्म भूमि है, और यहाँ का पानी पी के भरा हुआ हूँ, तो बुखार नहीं होगा। लेकिन इतना जब पानी पिया था तब मेरा हो गया था, फेर फेर ना। तभी कपड़ा चेंज कर लेता, आप लोग इधर देख रहे दो, थैंक यू। बहुत दिन घर में नहीं हूँ ना, चड्डी कहाँ में है, आदमी कहाँ में है, कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए ये मेरा नहीं है, किसका है ये। तो गाइस खाना पीना खा लिया, नहा के खाना पीना खा के अभी हम निकल रहे हैं, हम लोग यानी कि सभी लोग, देखो सभी लोग, हम लोग अभी निकल रहे हैं सुमपोई देवरी प्लेस में, यानी कि अपना घर में। तो आप लोग भी तो देखते रहिएगा, वहां पे जाके पार्टी करेंगे, क्योंकि 2 महीने के बाद जा रहा हूँ, पार्टी करेंगे, धमाका करेंगे, आप लोग भी तो देखते रहिए। तो गाइस फाइनली में आ चुका हूँ ईटानगर से, और आज पहली बार घर में चिकन बना रहा हूँ सबको खिलाने के लिए बाहर में, और यहाँ पे चिकन से बन चुका है बहुत ज्यादा। गुड नाइट गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आज भी वहाँ पे सोया हुआ है, मैं नहीं चाहता कि उसको मैं जगाऊं, बहुत ज़रा थका हुआ हूँ ईटानगर से, आज आ गया ईटानगर से महातेपुर, महातेपुर से यहाँ पे, बहुत ज़रा थकान लग रहा है गाइस। लव यू टू वन एंड ऑल।